नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं जम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अपने प्यार के लिए लोग न जाने क्या कुछ नहीं कर जाते, पर क्या आपने कभी सुना है कि गर्लफ्रेंड की हर जरूरत को पूरी करने के लिए कोई साइबर फ्रॉड बन गया। ये साइबर फ्रॉड कोई आम शख्स नहीं बल्कि बॉलीवुड का एक राइटर है। रिपोर्ट के अनुसार इस आरोपी राइटर का नाम शुभम पीताम्बर साहू है, जो कि बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने में लगे हैं। लॉकडाउन के कारण अन्य लोगों की तरह शुभम भी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने और महंगे गिफ्ट देने के लिए शुभम के पास पैसे नहीं थे, जिसके चलते उसने साइबर फ्रॉड करने का विकल्प चुना। शुभम के खिलाफ ओशिवारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है। इस साइबर फ्रॉड के जरिए शुभम ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को एक सोने का कंगन गिफ्ट में दिया और फिर उसके साथ घूमने जाने के लिए एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी को ठगा। रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण उसकी आर्थिक हालत खराब हो गई थी, पर वह नहीं चाहता था कि इस बारे में उसकी गर्लफ्रेंड को पता चले। इसके लिए उसने साइबर फ्रॉड कर डाला। दोनों ने जयपुर घूमने जाने का प्लान बनाया था। इस ट्रिप के लिए शुभम ने एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी से संपर्क किया। बुकिंग करने के बाद जब कंपनी ने उसे पैसे ट्रांसफर करने के लिए अपने अकाउंट डिटेल भेजा, तो उसने बल्क मैसेजिंग साइट के जरिए ट्रैवल कंपनी को पैसे भेजने का फर्जी मैसेज कर दिया। ये मैसेज बिल्कुल वैसा ही था जैसे बैंक वाले भेजते हैं। इसी तरह उसने गर्लफ्रेंड के लिए सोने का कंगन भी खरीदा था। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में लगी है कि शुभम ने इस तरह का फ्रॉड और कितने लोगों के साथ किया है। शुभम से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।